हांगकांग सिक्स में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए मैच में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 152 की याद ताज़ा कर दी पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी की दावत दी, जिसके जवाब में भारतीय टीम मुकर्रर 6 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बना सकी। भारतीय टीम की जानिब से कप्तान रॉबिन उतापा 31 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर बोल्ड हुए, जबकि उनके साथी ओपनिंग बैटर चिपली 53 रन बनाकर रिटायर हट हुए। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 120 रन के हदफ का ताकुब 5वें ओवर में ही पूरा करते हुए हांगकांग सुपर सिक्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम की जानिब से विकेटकीपर बैटर मोहम्मद इखलाक 40 और कप्तान फहीम अशरफ 22 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि आसिफ अली ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 55 रन के साथ रिटायर्ड हट हुए। आपको बताते चले, हांगकांग सुपर लीग में पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचों में फतह हासिल की।